राम राम किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। आज का वीडियो टॉपिक है मूली, जो कि ये मूली ऐसी रेट देती है, या तो ये 50 बिक जाती है या तो फिर 2 रुपये भी किलो बिक जाती है। तो मूली की खेती में आजकल जो अभी जो मूली की खेती जो कर रहे हैं, तो हर एक किसान यानी कि जूझ रहे एक बीमारी से जो दीमक लग जाती है मूली में, कि मूली नीचे से जो कंद होती है, मूली की कंद होती है वो पूरी चिकनी की जगह पूरी सांप की तरह यानी कि रेगा रेगा, जैसे हमारा एक बीमारी होता है जो कि दीमक लगता है। जैसे कि हम लोग देखना इसको चाहेंगे तो किस तरह देख पाएंगे कि जब मूली हम लोग कबाड़ते शुरुआती अवस्था में, जब छोटे छोटे मूली रहते हैं उस समय से ही ये इफेक्ट करना चालू कर देते हैं, और ये इतना ज्यादा घातक होते हैं कि मूली को बढ़ने से लेके पूरे आखिरी दम तक वो मूली को खाते रहते हैं, यानी कि पूरे तरह से नष्ट करते हैं। ना मूली ढंग से मर पाती, ना मूली ढंग से अच्छी हो पाती, यानी कि मूली के जो कंद होते हैं वो पूरी तरह से खराब भी नहीं होते, पूरी तरह से अच्छे भी नहीं होते। ऊपर के जो हिस्से होते हैं यानी कि ऊपर के जो कंद होते हैं वो ऊपर के कंद को पूरे तरह से खा जाते हैं। एक बीमारी जैसे कि आप देखेंगे, गौर करिएगा, टमाटर की फसल में लीफ कर आती है, टमाटर की फसल में आपको लीफ कर की बीमारी दिखेगी। सेम उनके पत्ते में जैसे एक लाइनिंग जैसा चला हुआ जैसा नजर आएगा, तो सेम मूली में भी उसी तरह का बैक्टीरिया जो होता है वो चलता है। ये मिट्टी के जस्ट नीचे होता है, और मिट्टी के नीचे होने के साथ साथ किसी भी तरह का कंद की फसल को ये खराब कर सकता है, जैसे कि मूली, शकरकंद, आलू, ये सब में भी इफेक्ट करता है। तो ये सब चीज में से हम लोग क्या इलाज कर सकते हैं, इनसे बचना कैसे है, और कम खर्च में कैसे इसको ठीक करना है, तो आज इस वीडियो में यही टॉपिक चलेगा। तो आप हमारे चैनल में न्यू विजिट करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना खेती संबंधित वीडियो देखने के लिए। और अभी स्टार्ट करते हैं और इसके बारे बताते हैं कि ये बीमारी लगती कैसे है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, तो शुरुआत करते हैं। तो किसान साथियों, पहला काम आप सभी को करना होगा कि किसी भी मौसम में आप मूली का बुआई कर रहे, किसी भी जगह पे भी बुआई कर रहे, चाहे आप बड़े पैमाने में कर रहे हो या चाहे ये छोटे पैमाने में कर रहे हो, तो वो खेत को पहले आपको साफ सुथरा रखना होगा, किसी तरह का खरपतवार नहीं रखना होगा। और जुताई करने के समय आपको गहरी जुताई करना है, गहरी जुताई करके कम से कम 8 से 9 दिन तक उसको धूप लगने देना है, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया जो मिट्टी के नीचे जो है, कीड़े जो भी है, वो दीमक वो सारे ऊपर आएंगे और धूप की गर्मी से वो मरना चालू हो जाएंगे। और दूसरे किसान भाइयों, आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप मूली का फसल हर एक खेत मतलब उसी खेत में हर एक साल ले रहे, तो फसल को अदल बदल करके लगाइए, कभी मूली, कभी टमाटर, कभी भिंडी, कुछ भी मतलब चेंज करके फसल को लगाइए, अप डाउन करके। एक ही फसल एक ही खेत में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस तरह होते वो फसल के कुछ अवशेष हो रहने के कारण और भी ऐसे आसपास के वातावरण के कारण उस बीमारी उस फसल में अक्सर लगते रह जाएंगे, और बीमार लगेंगे तो खेत भी खराब होगा प्लस फसल भी खराब हो जाएगा। तो फसल को चेंज कर करके लगाइए, कभी साग, कभी ऐसा साल में 2-3 बार साग का तो प्रयोग जरूर कीजिए, साग से आपका खेत साफ रहेगा, प्लस उससे एक तरह से मिट्टी का पोषक तत्व तो बना हुआ रहेगा। हार्ड वो फसल नहीं है, जितना कम मात्रा में उसको पोषक तत्व चाहिए और जल्दी वो उपजाऊ हो जाता है। तो फसल को चेंज करके भी लगा सकते हो। और प्लस किसान साथियों, तीसरा काम क्या करना है कि जैसे आप गोबर का यूज करते हैं, तो गोबर का यूज आप सूखी गोबर का यूज करें, यानी कि पूरे भुरभुरी गोबर जो होता है वो गोबर आप डालिए आप सभी खेत में, और उसके बाद गहरी जुताई करिए। ये हो गया बेसिक चीज जो कि आप सभी हम लोग बेसिक कर सकते हैं कि कैसे कैसे इससे बचना है, मूली का जो दाग लगता है। ये हर एक किसान परेशान है, यहाँ तक हम लोग खुद कभी ना कभी पहले परेशान होते थे कि ये मूली को ठीक कैसे करना है, बट अब जब इलाज पता चला है तो आराम से हम लोग मूली पूरे चिकनी और पूरा फ्रेश मूली ले आते हैं। मार्केट में मांग रहती, मार्केट में लूट मच जाती कि ऐसी मूली ही चाहिए हमको, और ये मूली के रेट काफी बेहतर मिलते। बाकी वो जो दाग वाली मूली रहती है तो उसको कोई पूछता तक नहीं मार्केट में, ना किसी तरह का भाव मिलता है। तो अब बात करेंगे इसके दवा में कि क्या क्या हम लोग बुआई से शुरुआती बुआई के टाइम में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, पहला बात करेंगे यूज करने का कि पहला जो कि हम लोग कौन सा ऐसा दवा यूज कर सकते हैं जो कि ये जो मूली में जो दीमक लगती है वो मूली का दीमक को खत्म कर सकती है, मूली फ्रेश कर सकती है। तो पहला काम कर सकते हैं रिजेंट प्लस लेना है आप सबको। रिजेंट प्लस लेकर आपको उसको खेत में जब जुताई करते हैं उस समय आपको एक बार डाल देना है, और उसके बाद गहरी जुताई करके आप किसी भी कंपनी का बीज लेकर आप चेन करके आप बुआई कर सकते हो। उसके बाद आपका ये जो होता है जो मूली में जो दाग लगती है वो दाग लगना बंद हो जाएगी, और धीरे धीरे ये जितने भी नीचे का बैक्टीरिया है यानी कि जितने भी कीड़े जो होते हैं वो सारे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे,
और आपकी मूली का फसल तंदुरुस्त और स्वस्थ और व्हाइट में पूरी आएंगे। और उसके बाद इसका सेकेंड डोज भी करना है। सेकेंड डोज कब करना है? जब आप निकाई गुड़ाई करते हो फसल की, जब हाइट बढ़ जाती है फसल, जैसे कि निकाई गुड़ाई की जो टाइमिंग में आप करते होंगे 10 महीना 1.5 महीना इस टाइप में, तो उस समय निकाई गुड़ाई करने के बाद आप जब फिर से मिट्टी उसमें चढ़ाते हैं तो उसमें फिर से एक बार एजेंट का प्रयोग करते हैं, तो उससे आपको रिजल्ट और बेहतर मिलने वाला है। उस तरह आपको कई बार आप मूली का फसल लगा सकते हैं और उसमें किसी तरह का मूली में दाग नहीं होगा। तो निकाई गुड़ाई करने के बाद उस समय फिर एक बार मैंको रिजेंट डाल देना है। रिजेंट डालने के बाद आपको मिट्टी चढ़ाकर सिंचाई कर देना है, सिंचाई भी कर देना। और सिंचाई का भी मात्रा मतलब देखकर करना है कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नमी होगा तो जिलक बीमारी लग सकती है, इसलिए कम कम सिंचाई करके अच्छे से सिंचाई करना, जितना ज़रूरत है उतना ही पानी का सिंचाई करना, और खाद का भी जरूरत जितना है उतना ही खाद को डालना है। तो ये हो गया पहला उपाय कि आप इससे बच सकते हैं। बहुत सारे किसान ये छूट जाते हैं करने से, भूल जाते हैं, यानी कि जैसे कि बहुत सारे किसान को पता भी होता है तो ये करना भूल जाते हैं। अब बहुत सारे किसान को पता नहीं है तो आप ये डाल सकते हैं, रिजेंट प्लस आप डाल सकते हैं और आपका रिजल्ट काफी बेहतर होगा। तो किसान साथी अब बात करेंगे कोई लिक्विड का, जैसे कि आप लिक्विड में भी यूज करते हैं, यहाँ पे थंबनेल में आ रहा होगा, बगल में फोटो आ रहा होगा क्लोरी फ्लोरी करके, तो ये आपको यूज कैसे करना है? जैसे कि बहुत सारे किसान ड्रिप के माध्यम से खेती करते हैं, तो ड्रिप के माध्यम से खेती करते हैं तो उसी समय इसको आप 1 लीटर मिलाना है 1 एकड़ के लिए, 1 एकड़ फसल के लिए, और इसको ड्रिप के माध्यम से चला देना है। वो होगा क्या कि ड्रिप के माध्यम से जमीन के नीचे जाएंगे और जमीन के नीचे जो इन्फेक्शन, जो यानी कि जो कंद की फसल में जो लगे है बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया को मारना चालू कर देंगे। जो कीट रहते हैं वो कीट धीरे 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 खत्म हो जाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि हर किसान तो ड्रिप नहीं करता, बहुत सारे किसान बिना ड्रिप का खेती करते हैं और ऐसे ही नॉर्मल खेती करते हैं, ठीक है, सिंचाई वगैरह खुद से करना होता है, बाकी जितने भी काम होते हैं। तो नॉर्मल खेती के लिए जो ड्रिप नहीं करते उसके लिए क्या उपाय है कि आप क्या कर सकते हो, या तो एक ड्रम लेना है, जहां से आपको पानी शुरुआती पानी गिरता है उस जगह से आप वो ड्रम का ढक्कन खोल दो, हल्का सा एक नल लगा दो, छोटी से नल, और उसमें गिरना चालू कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और ये भी नहीं करना है तो आपको क्या करना है कि सिंपल से टंकी में लेना है, 18 लीटर या 15 लीटर का टंकी लेना, उसमें स्प्रे घोल बनाना अच्छे से, और आपकी जो सिंचाई हो गई है, सिंचाई होने के अगले दिन जस्ट, यानी कि मिट्टी में भरपूर नमी होना चाहिए उस समय, आप मिट्टी में आप फसल के ऊपर से स्प्रे कर देते हो तो उस तरह आपको रिजल्ट उस तरह भी देखने को मिलेगा। और नहीं तो आप वो भी नहीं करके आप क्या कर सकते हो कि आप अपने स्प्रे वाली टंकी में आप स्प्रे घोल तैयार कर और जिस जगह पे पानी आपका गिर रहा है मोटर का पानी, आप वहां पे टंकी रख दो कम फ्लेम में, यानी कि कम स्पीड में उसको चलाकर छोड़ दो और आप सिंचाई करते जाओ, वो पानी के साथ साथ में बूंद 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 जैसा गिरते रहेगा और वो आपके पानी के साथ में सिंचाई होते चला जाएगा, और इस तरह आपका जो दीमक लगने की बीमारी है वो खत्म हो जाएगी मूली के फसल में। तो किसान साथी आप बात करेंगे तीसरी दवा का, जो कि आप जैसे कि रिजेंट नहीं डाले तो उसके जगह में आगे और क्या डाल सकते हैं, टिमाबेंजोट आता है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहेगा। तो इसका यूज करने की मात्रा बता दे, 10 ml लेना है 15 लीटर पानी में, और इसको अच्छे से घोल बनाना और इसके साथ एक साफी मिलाना, फंगिसाइड साफी जो होता है, जो कि आपको यूवी इमेज में दिख रहा होगा, तो इसको और टिमाबेंजोट को दोनों मिलाकर आपको स्प्रे करना है। और अच्छे से स्प्रे करना, किस तरह आप स्प्रे करना है, जस्ट उसी तरह नमी होना चाहिए फसल में, और आप पानी के माध्यम से भी छोड़ सकते हैं, ड्रिप के माध्यम से भी छोड़ सकते हैं। इससे जितने भी नीचे, यानी कि जितने भी नीचे रोग होते हैं, यानी कि कीट होते हैं, किसी तरह का भी कीट होता है जो मूली को भी फसल को खराब करते हैं, तो वो इफेक्ट कर वो रोग को मारना चालू कर देंगे और वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और आपकी मूली के फसल बेहतर होंगे और सफेद पूरा व्हाइट में आएंगे और लंबे भी रहेंगे और मूली किसी तरह का दाग नहीं रहेगा। तो यानी कि इतने जो कुल दवा जितना हम बताएं, आप किसी भी दवा का यूज करते हैं तो आप बेहतर रहेंगे, पर आप कोशिश कीजिएगा कि गहरी जुताई करके उसको धूप लगने देना है, और कोशिश कीजिएगा कि रिजेंट प्लस या रिजेंट आप डालिए, और शुरुआत में डालने के बाद निकाई गुड़ाई करने के बाद आप डालते हैं तो इतना कुछ आपको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, 1-2 स्प्रे करना होगा साथ ही का, जो कि ऊपर के पत्ते खराब होते हैं
और कीट लगते ऊपर के पत्ते में, जो कि पत्ते खराब हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे मोनोसिल वगैरह का स्प्रे भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कीट ज्यादा लग गए ऊपर के पत्ते में तो मोनोसिल का एक आध स्प्रे कर सकते हैं, पर लीटर बात करेंगे तो 1 ml आपको लेकर स्प्रे करना है। तो किसान साथियों यहाँ पे टोटल अब हम बता दिए मूली का आपको इलाज कैसे करना है, और आपको मूली का रेट भी मिलेगा मार्केट में, और आपका मूली पूरा दूध की तरह व्हाइट नजर आएगी, पूरा किसी तरह का दाग नहीं रहेगा। तो आपको आपको अब काम क्या करना है, आप हमारे चैनल में न्यू विजिट करते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना खेती संबंधित वीडियो देखने के लिए, और हमारा बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि आप उसी थ्रू हमारे वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि अभी का मौसम थोड़ा खराब चल रहा है, इस कारण से एक जगह रहकर वीडियो बनाना पड़ता है, कभी घर पे कभी इधर, मौसम क्लियर होता है तो बाहर आते हैं, इस कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो आप समझ सकते हो हमारी दिक्कत कहाँ कहाँ पे आ सकती है वीडियो बनाने में। तो आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक अपना शेयर करें, अपने किसान भाइयों तक शेयर करें, कि उन्हें भी मूली की खेती का राज जाने, और वो मूली के खेत में जो बीमारी होती है वो बीमारी से कैसे बचना है, और किस तरह इसको शेड्यूल लेके चलना है, जो कि मूली में कम खर्च में हम ज्यादा कमाई कर पाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसान साथियों, फिर तब तक के लिए जय जवान जय किसान।